नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ओर से आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग इतिहास, इतिहास का अध्याय एक, क्या कब कहाँ और कैसे। इस अध्याय के बारे में हम जानते हैं भैया बहनों, इस जो अध्याय की जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु प्राचीन इतिहास से संबंधित है। यानी इस अध्याय में रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी नज़र एक सुर्खी यानी कि खबर पर पड़ी, 100 साल पहले यानी कि वह मतलब 100 साल पहले की खबर के बारे में मतलब सोचने लगती है कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएंगे। तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, यानी कि इनके जरिए कल की खबर को जान सकते हो। साथ ही यह भी जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ, यानी कि पिछले साल क्या क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की जो घटना है, जो भी मतलब जानकारी है, उसको पता हो, स्मृति हो यानी याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ, यानी कि हजारों साल पहले क्या हुआ, उसकी जान कैसे पता करेंगे कि उस समय के जो लोग हैं, है ना, अतीत के बारे में, यानी कि हम अतीत के बारे में क्या मतलब जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में मतलब बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग उस समय क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ये जो चीज़ें हैं हम आँखें टक यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों यानी कि ब्राह्मणों को कहते थे, शिल्पकारों जो मूर्ति बनाते थे, कलाकारों और संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ जो है हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन से कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इन सब बातों की जानकारी मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोतों से हमें मिलती है, एक साहित्यिक स्रोत जो लिखे हुए हमें प्राप्त हुए और दूसरा पुरातात्विक स्रोत जो हमें खुदाई में जो वस्तुएँ मिली उनसे हमने अनुमान लगाया कि उस समय के जो लोग हैं वो क्या करते थे। आगे है लोग कहाँ रहते थे, यानी कि उस समय जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे। तो भाई उस समय के जो लोग हैं वो पहाड़ों की गुफाओं में, नदी घाटियों में या फिर उनके किनारे, नदी घाटियों के किनारे या फिर जंगलों में रहते थे। यानी कि इसमें कह रखा है कि हमारे मानचित्र एक में देखो और नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो हम मानचित्र को देखेंगे और नर्मदा नदी का पता लगाएंगे। तो बच्चों अब हम जानते हैं मानचित्र में नर्मदा नदी की स्थिति। तो बच्चों नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ये नदी, और ये नदी पश्चिम की ओर चलती है, और ये नदी भ्रंश घाटियों से होती हुई ये अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर में गिरने वाली ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इस नदी का ही हम इतिहास जानते हैं तो बच्चों कहीं लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो आरंभिक लोगों में से कुछ जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे। यानी कुशल संग्राहक का अर्थ होता है कि अच्छा मतलब अच्छी वस्तुओं का वो संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे वस्तुओं को। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित भी थे वो लोग, और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से वो संग्रहण किया करते थे, और वे जानवरों का भी क्या करते थे, शिकार करते थे। और इसी के साथ में हमारा आज का ये जो इतना टॉपिक, तीन टॉपिक पढ़े हमने, इसी के साथ में हमारे ये तीन टॉपिक के साथ में ये आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले जो वीडियो है, अगले वीडियो में हम जानेंगे
उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरतर पहाड़ियों का पता लगाएंगे मानचित्र के जरिए, और आगे की जो भी विषय वस्तु है हम अगले वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए आप सभी भैया बहनों को धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, परिवार का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और अपने जो विषय वस्तु यहाँ से आपको भेजी जाती है उसको आप ध्यान से पढ़ें, और जो भी आपके विषय वस्तु लिखने हेतु गृह कार्य हेतु भेजा जाता है वो भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिकआउट के साथ में व्यवस्थित तरीके से आप उसको लिखें गृह कार्य को, और ध्यान रखें। धन्यवाद।